माँ ने कहा था बेटा तेरे को खेलना आता है और कुछ करने की कोशिश मत करना, तो उसके बाद मैंने कुछ करने की कोशिश नहीं की, बस खेल लिया वही काफ़ी है, उसी को संभाल के रख लो काफ़ी है, ये तो छुट्टी लेके जा रहे हैं, मेरे को छुट्टी दिला रहे हैं इसलिए जा रहा हूँ, एक्टिंग मेरा काम नहीं है, एक्टिंग काम एक्टर्स का है, मैं एक्टर्स नहीं हूँ, मैं तो स्पोर्ट्समैन हूँ और वही रहना चाहता हूँ। नहीं, आई लाइक टू मूव ऑन इन लाइफ। ये क्रिकेट खेल के आप स्कूल में वापस जाना चाहते हो? नहीं ना सर आपको, लेकिन कुछ लोग जाना चाहते हैं जी। वो हैं, मैं सुनील गावस्कर का फैन हूँ, रवि शास्त्री 20 साल खेले, 40 साल क्रिकेट की बात की, आई एम नॉट लाइक दैट, आई लाइक टू मूव ऑन। आप स्कूल से निकलते हो वापस स्कूल में नहीं जाते, आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम, आई लाइक टू सी द वर्ल्ड, आई लाइक टू मीट डिफरेंट पीपल, दैट्स व्हाट इट्स लर्निंग। सम पीपल बिकम प्रोफेसर, आई डोंट वांट टू बी, आई वांट टू मूव ऑन। कल जिंदगी में क्या है, क्या खूबसूरत है वो देखना चाहता हूँ, वही वापस जाके क्रिकेट में क्रिकेट की बात करना, मुझे लगता है कि वो मेरा पीरियड निकल चुका है। क्या ऐसी बात नहीं है, मतलब मैंने उनको हमेशा से आइडलाइज किया है और पसंद किया है, और मेरी तो दो तमन्नाएं हैं कि स्विट्जरलैंड में मैं थोड़ा उनको पटा लूं और थोड़ा मना लूं, सिर्फ एक वो मेरे लिए, मैं जैद को और सबको बोल भी रहा था, एक जो उनका ड्रीम एक्शन था बॉलिंग का, बस वो मेरे लिए कर दें, चाहे खड़े होकर ही कर दें, जो मैं मेन जो ट्रेलर होगा या टीजर होगा मैं वहाँ यूज़ करना चाहता हूँ, और उनकी जिम्बाब्वे वाली 175 वाली बैटिंग जो किसी ने देखी नहीं क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था मैच, एक शॉट उसका लगा दें, और एक मेरे को सिर्फ एक्शन जो कपिल सर का था, जो बहुत ही खूबसूरत जो इनका फास्ट बॉलिंग का एक्शन था, एक एक्शन जैसा दिल चाहे वो कर दें, जो मैं मेन टीजर या ट्रेलर बनाऊंगा उसमें मैं चाहता हूँ कि वो कहीं से भी आ जाए, अब बाकी कपिल सर की मर्जी है। ऑलमोस्ट सारा ही रियल रहेगा, बिकॉज दिस इज अबाउट सर स्विट्जरलैंड ट्रैवल the culture, so we are going to show a lot of Switzerland in and around him and with all the contestants and everybody around, so it's going to be much real, it won't have people jo contestants honge ladai kar rahe hain ya kisi ka kisi se affair ho raha hai ya wo sab nahi hoga, it's going to be very aise kaise keh sakte ho yaar sir, matlab screen pe nahi hoga, bole do yaar koi baat nahi, sir screen pe nahi hoga, matlab script mein nahi hoga, waise ho jaye to pata nahi, waise to main bhi single hu to theek hai। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं, बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। कौन से वाला? अच्छा मिया मेरी जिंदगी में एक ही लफड़ा रहा है, जैसे मैं पर्दे पर आता था मेरी हीरोइन मुझे देख के बोलती थी कुत्ते कमीने खबरदार जो मुझे हाथ लगाया था। घर में माँ बहन नहीं है तो हमारा एक ही डायलॉग होता था, खुद ही बोल देते थे जाने मन माँ बहन तो है लेकिन तू नहीं है। वैसे ही है, थैंक यू वेरी मच। आज कपिल पाजी की वजह से मैं इधर आया हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई, और आई हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ गुड मोमेंट्स विद हिम, एंड ही इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल द यंगस्टर्स एंड स्पोर्ट्समैन। आई लव यू एंड पीपल लव यू वेरी मच, टेक केयर।
सर बैट पकड़ेंगे। अरे बाउंसर तो मैं क्या करूं, अरे बाउंसर तो मैं क्या करूं ना, अरे धक्का दीजिए, आओ आओ देखिए। बाजी खाली हमको एक एक्शन बैठ बाजी खाली हाथ में पकड़ लीजिए, हाथ में ले लीजिए सर सर प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट। सर जी ये तो होने के बाद ही पता चलेगा, बट अच्छा लग रहा है, समथिंग न्यू कमिंग, कुछ नई सोच से जब भी कोई आता है तो उसके बारे में आप यही सोच सकते हैं कि वो बहुत बेहतर होगा, अच्छा होगा। स्विट्जरलैंड में शूट होने वाला है, इसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा है, जाएंगे थोड़ा घूम के आएंगे, बाकी क्या कह सकते हैं, अब तो शो के बाद ही कह सकते हैं, बाकी तो ऑर्गेनाइजर हैं वो बता सकते हैं कि कैसा होगा। मैं तो सोचता हूँ मैं क्या सीख के आ सकता हूँ, मीटिंग अ न्यू पीपल, न्यू जनरेशन, उनकी क्या सोच है, हमारी क्या सोच है, और जब एक नई पीढ़ी के लोग मिलते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो आई एम गोइंग टू लर्न अ लॉट, आई डोंट नो हाउ मच आई कैन टीच देम एंड ट्राई टू एक्सप्लेन देम, बट आई एम गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम। कपिल सर, पीपल नो यू एज अ सीरियस पर्सन, बट आपका फन साइड कितना है, हाउ मच विल यू गेटिंग इसी डांसिंग ऑल सीन? वेट फॉर द एंटायर शो कम आउट, देन यू विल कम टू मी। ड्राइविंग विद द लेजेंड, सेफ ड्राइविंग करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाल ही में जो ऋषभ पंत के साथ हुआ उसके बाद से हेल्थ को लेके, सेफ ड्राइविंग को लेके क्रिकेटर्स पे काफ़ी बड़ा सवाल उठता है सर, उसको लेके आप क्या कहना चाहोगे? गुड क्वेश्चन, और कोई शिव आप क्या कहना चाहोगे, आप लेजेंड के साथ खड़े हो? सर ने कहा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सर अभी भी सीख रहे, और सर से मैं सिर्फ खड़ा हूँ, और खड़े होकर मैंने सीखा है कि सर को जो लेजेंड होते हो, लेजेंड होते बिना बॉल की विकेट ले सकते हुए जो स्टंप गिरे थे मैंने देखा है, और लेजेंड का यही पहचान होती है। बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी खड़े होते हुए भी सीखी, और मुझे लगता है मेरे जैसे कितने लोग हैं जो उनसे कनेक्ट करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हैं, तो जो भी अभी जो शो आएगा उससे बहुत लाखों करोड़ों लोग सीखेंगे, और जितने एक्साइटेड सर रहेंगे उससे बहुत ज़्यादा हम लोग रहेंगे जो सर को इतने सालों से देख रहे हैं। पता नहीं, मेरे को कुछ नहीं मालूम, हम जा रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट आया है, इसको वक्त दीजिए, यही है कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट सुनने में लगा, बाकी जाके तो जब बनेगा पूरा कॉन्सेप्ट तो पता चलेगा। कपिल पाजी, आप पर्सनली आई थिंक हर चीज़ का एक समय होता है, शायद इस उम्र में आके आप वो वादियाँ, वो जो एनवायरनमेंट है उसका मज़ा ज़्यादा लेते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि हमारे जैसे लोग 100 की स्पीड पे जाए, हम आराम से जाके देखना चाहते हैं कि दूसरे देश कितने खूबसूरत हैं। रणवीर सिंह ये लेजेंड के सामने होंगे, आपको लगता है आप चाहते हो सर कि उन्होंने आपकी बायोग्राफी मुझे काफ़ी अच्छी तरह से निभाई थी, वो बायोग्राफी I did come to this show, what we are talking about. So, Switzerland is a very scenic place. Have you visited it earlier? I've been there before, but I think this is a new concept. जब भी कोई नई चीज़ आती है, बहुत सारी उम्मीदों के साथ आती है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो नया concept है, ये बहुत खूबसूरत होगा और बनाएंगे। शायद पहली बार बहुत सी गलतियां भी होंगी, ये नहीं हो सकता कि आप पहली बार जा रहे हैं गलतियां नहीं, लेकिन जब आपने शुरू किया तो उम्मीद करते हैं कि ये बेहतर शो निकल के आए। देखा
हमारा कुछ नहीं है, ये जो जो ड्रेस बनाने वाले हैं, जो मेकअप करने वाले हैं वो है, हम तो वैसे ही हैं जैसे पहले थे, दे मेक अस लुक बेटर। देखिए अगर किसी फिल्म में मैं आता हूँ और मैं कपिल देव का रोल प्ले करता हूँ तो मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, तो आप जरा उस चीज़ का समझिए, इतने फिल्म स्टार हैं आके क्रिकेट खेलते हैं तो वो हमारी गेम को प्रमोट करते हैं, अगर हम फिल्म को प्रमोट कर सकते हैं क्यों नहीं। मैं एक्टर नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई शौक है, लेकिन कभी कोई चीज़ आती है और दूसरों का उसमें हेल्प होती है, क्यों नहीं। आपको मैम ये ड्राइविंग विद लेजेंड्स क्या कहना चाहेंगे, जो नया रियलिटी शो आ रहा है कपिल देव जो लेजेंड है उनके साथ, कितने एक्साइटेड है आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, ऑब्वियसली अभी समर में कपिल देव कमिंग सच एन अमेजिंग रियलिटी शो, जहाँ पे आप भी इनफैक्ट ऑडिशन देते हो, अगर आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं आप भी स्कूल भी सिलेक्ट हो सकता है। इनफैक्ट आई थिंक मैं खुद ही ऑडिशन लूँगी, मे बी मैं सिलेक्ट हो जाऊँ, बिकॉज यू नो गोइंग टू यू नो फ्यू फिगर चांस टू वर्क विद द लेजेंड एंड व्हाई नॉट। कपिल जी के आप भी कितने बड़े फैन हैं, क्रिकेट के कितने बड़े फैन हैं? मैं क्रिकेट की कितनी बड़ी फैन हूँ किसी से भी पूछ लो, ये आपको कोई भी बता देगा, यू डोंट हैव टू आस्क मी। और मैंने अपनी सच्चाई क्रिकेट के प्रति 16-17 साल की उम्र में निकाल दी थी, अभी तो मैं काफ़ी भूल गई के आर के लिए भाई मस्ती पूनम। हाँ ऑल्सो आपने खुद ने रियलिटी शो किया है, रियलिटी शो की क्या यूएसपी होने वाली है? सी ऑल रियलिटी शोज हैव डिफरेंट लॉकअप में लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा बिग बॉस भी, अभी क्या कोई प्लान है बिग बॉस करने का या फिर बहुत प्लान है? बहुत 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 सारे प्लान, क्यों ना करो अगर गेट आई वुड लव टू डू। और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट कुछ ऐसा? अच्छा थैंक यू पूनम।